लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहां तोरार गांव के एक सैलून में दाढ़ी बनवा रहे जमीन कारोबारी नरेश साहू उर्फ शिबू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक पर आए अपराधियों ने सिर में गोली मार दी, मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। तो सेनहा में ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस सिर में गोली मारकर अपराधी मौके से फरार हो गया है। ये तमाम तस्वीरें भी आप वहां की देख रहे हैं। हालांकि लोग जो है वो इकट्ठा हो गए हैं, सैलून में दाढ़ी बनवा रहे थे नरेश साहू, ठीक उसी बीच अपराधी आए और सिर पर गोली मारकर मौके से फरार हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जमीन के कारोबारी की यह हत्या की गई है और ये सैलून में पहुंचे थे जहां वो दाढ़ी बनवा रहे थे। उसी वक्त अपराधी सैलून में आए और सीधा सिर पर गोली वार करके मौके से फरार हो गए हैं। सीधी तस्वीरें आप वहां की लोहरदगा की देख रहे हैं जहां की तमाम लोग अब इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिर में गोली मारकर मौके से अपराधी फरार हो गया है। धनबाद के बाल्यापुर थाना क्षेत्र की जिला स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रीति कुमारी ने आत्महत्या कर ली है। प्रीति की बहन ने घर आने पर प्रीति का शव पर्दे पर लटका देखा, पुलिस को इसकी खबर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रीति कुमारी ने फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी और कई मेडल जीते थे। हॉस्टल लोग गए तो मतलब बकरी लोग खोजने गए थे, बकरी भाग गए थे समझे, बकरी लोग खोजने गए थे, लोग अचानक आई देर से स्ट्रेस कर लिए, फांसी लगा लिए। हम तो क्रिकेट खेल रहे, ये सिस्टर थी, सिस्टर थी, लोगों को समझ नहीं आया लड़की, ये लोग उतार दिए यही 3:30-4 बजे का। नहीं कोई कारण नहीं है सर। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।